काम नहीं है एक्चुअली। हाँ कलेक्टर सर, हाँ एक घंटा उठाकर कोई बात होगा अंदर ही करवाते फोटो। मरीज को भी रास्ता दे दो भाई, खिड़की भी छोड़ दी चले। छपार मामले में अपहरण का मुकदमा कायम था, जिसमें अपर्णा को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया था कि वो कोर्ट में हाजिर हो। आज वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई है। उसने अपने बयान माननीय न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड कराए गए हैं और बयान के जो भी अवलोकन के पश्चात न्यायालय का आदेश होगा उसका अनुपालन कराया जाए। ये कस्टडी माननीय न्यायालय डिसाइड करेगी और जैसा माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसका कंप्लायंस होगा। उसमें जो कार्रवाई अवश्य की जाएगी, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हुई थी, कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती। किस पक्ष के लोग थे वो अभी उसमें तहकीकात की जा रही है कौन था क्या था, लेकिन जिन्होंने वहाँ पर अपहर्ता के साथ खींचतान करने की कोशिश की थी वहाँ पुलिस ने नहीं होने दिया और जिन्होंने किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, जिन्होंने पथराव किया था वो खुला में भी यहीं घूम रहे थे, पुलिस की जानकारी में था, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अगर गिरफ्तार अभी अगर उनकी शनाख्त हो जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, किताबी